हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 7 मार्च 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे। मोटिवेशन कोट रहेगा जो आपको मोटिवेटेड करेगा। वन लाइनर न्यूजेस रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी। स्टेट में हम उत्तर प्रदेश को डिस्कस करेंगे। स्पेशल नॉलेज में OECD को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी फ्रूटफुल साबित होंगे। ओके, देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब ये है कि आप जीते जी आत्महत्या कर लिए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, अगर आपने कोई सपना देखा है कि हमें बैंक का एग्ज़ाम क्रैक करना है, ओके, फिर आपने एक अटैम्प्ट दिया, फिर आपने दूसरा अटैम्प्ट दिया, आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आपने वो सपना ही छोड़ दिया, तो ये नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसे सपने बदलते जाएंगे ना, तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला। आपको एक सपना देखना है, जैसे आपने देख लिया कि हमें बैंक क्लर्क बनना है, तो फिर बैंक क्लर्क ही बनना है। मुझे कितने भी अटेम्प्ट करने पड़े, मुझे क्लर्क बनना है तो बनना है। बस ये वाली आप में जुनून आ गई ना, तो फिर आप अपने मुकाम को 110% हासिल कर लेंगे। कितनी भी कम वैकेंसी हो, कितनी भी ज़्यादा कंपटीशन हो, कोई भी आपको नहीं हिला सकता आपकी सफलता प्राप्त करने से। ओके, तो फिर आपको अपने सपनों को जिंदा रखिए और उनके साथ आगे बढ़ते रहिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वन लाइनर न्यूज़ में देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ रहेंगी। पहली न्यूज़ है कि सुरक्षा बल ने शक्ति पुरस्कार 1,00,000 रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और एक चषक, मतलब कि एक सील्ड टाइप की दी जाएगी, की स्थापना की है जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले कर्मियों को सालाना दिया जाएगा। तो ये सीआरपीएफ सेंट्रल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए ये पुरस्कार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफओ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर लगाए जाने वाले नए ब्याज दर कितनी है? तो नई ब्याज दर है 8.50%, इससे पहले थी 8.65%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF द्वारा घोषित बायोडाइवर्सिटी सुपर ईयर कौन सा है? तो वो है वर्ष 2020। अगर पूछ लिया जाए वर्ष 2020 ईयर कौन सा है, तो वो है बायोडाइवर्सिटी सुपर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री बने हैं डेनिस शिमगेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली सरकार कौन सी है जिसने सार्वजनिक परिवहन को नागरिकों के लिए मुफ्त कर दिया है? तो ये लग्जमबर्ग की जो सरकार है, उसने क्या किया है कि जो सार्वजनिक परिवहन होता है वो नागरिकों के लिए मुफ्त कर दिया। जैसे हमारे यहाँ बसेस वगैरह चलती हैं, ये बिल्कुल वहाँ पर मुफ्त चलेंगी, वहाँ से कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 माह के लिए नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है या किस राज्य के जिले का रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले द्वितीय स्थान पर रहा है, झारखंड का लातेहार जिला और तृतीय स्थान पर रहा है राजस्थान का धौलपुर। ये आकांक्षी जिले की सूची में शामिल हो चुके, तो तीनों नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तीनों राज्य आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेबरेट द क्रिएट सस्टेनेबल ग्रोथ इन ए फ्रैक्शन वर्ल्ड विषय के तहत ये थीम रही है 6 मार्च 2020 को प्रथम इकोनॉमिक टाइम्स वैश्विक व्यवसाय शिखर सम्मेलन परिषद का स्थान क्या रहा था? तो नई दिल्ली। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन पहले ये बन सकता है, इकोनॉमिक टाइम वैश्विक व्यवसाय शिखर परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली के अंदर हुआ था। वैश्विक व्यवसाय शिखर परिषद की थीम क्या थी? तो वो थी कोलेबरेट द टू क्रिएट सस्टेनेबल ग्रोथ एंड ए फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। ओके, और ये कब हुआ था? तो ये 6 मार्च 2020 को हुआ था, मतलब कि कल इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी निवारण प्रणाली पर निवेशकों द्वारा शिकायतों को दर्ज करने के लिए नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो सेबी जो है सिक्योरिटी स्टॉक बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है, तो उसने क्या किया है, एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, उसका नाम क्या है? तो सेवी स्कोर। अब सेवी की बात हो रही थी, मुख्यालय इसको इसका मिल जाएगा आपको न्यू मुंबई में। और अगर पूछ ले जाए इसके अध्यक्ष कौन है, जिनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है अभी 6 महीने के लिए, तो वो है अजय त्यागी जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, एक तो हेडक्वार्टर मुंबई में और सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड जो अध्यक्ष है उनका नाम है अजय त्यागी जी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के प्रमुख नवनियुक्त कौन है? मतलब कि जिन्हें नवनियुक्त है, मतलब इन्हें नए
एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है और वो प्रमुख हैं, तो वो कौन है? तो सिंगापुर के डेरेन तांग, ये ऑस्ट्रेलिया के फ्रांसीसी गरी की जगह पर आए हुए हैं। तो जो बौद्धिक संपदा संगठन है उसमें एक नियुक्ति हुई है, उनका नाम है डेरेन डांग और ये सिंगापुर के हैं, और ऑस्ट्रेलिया के फ्रांसिस गिरी की जगह इनका इस प्लेसमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के पुनर्नियुक्त प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं नौटियाल, संजीव नौटियाल जी। SBI लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के पुनर्नियुक्त प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजीव नौटियाल जी। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख और पेरू के प्रधानमंत्री जिनका 4 मार्च 2020 को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो पेरेज डी कोयलर। अब ओबिचरी से ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि पेरेज डी कोयलर का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो थे पेरू के पूर्व प्रधानमंत्री या संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख, को जो भी ऑप्शन होगा आप लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे इनके लिए क्वेश्चन बन जाएगा। अब पेरू के प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो पेरेज डी कोयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के साथ मिलकर भारतीय खेल प्राधिकरण मार्च से नवंबर के बीच खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग के पहले संस्करण का आयोजन किन 3 शहरों में करेगा? तो ये करेगा नई दिल्ली में, बेंगलुरु में और भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 5 के छात्रों को, मतलब कक्षा 1 से 5 के छात्रों को तनाव मुक्त वातावरण में सीखने के उद्देश्य से ओडिशा के लस जिले में नो वैक डे कार्यक्रम शुरू किया गया। तो क्लास 1 से 5 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है कि जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं बच्चे, उनको तनाव मुक्त वातावरण में सीखने के उद्देश्य से ओडिशा की लस जिला है उसमें नो वैक डे कार्यक्रम शुरू किया गया है। ओडिशा की कैपिटल अगर पूछ ली जाए तो तुरंत आपको बता देनी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से दो बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है करंट के बेस से, एक तो जो यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया के गेम्स हुए वो भुवनेश्वर के अंदर हुए और उनमें विजेता रही थी सावित्री बाई पुणे जो विश्वविद्यालय है वो, ओके। और भुवनेश्वर के अंदर ही हॉकी स्टेडियम, मतलब हॉकी का प्रोग्राम भी हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्मार्टफोन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत स्नातक स्तर के अंतिम वर्ष के 14,608 छात्रों को 5,000 रुपये प्रदान करने का निर्णय ले लिया है? अब एक राज्य सरकार, इन्होंने क्या किया कि स्मार्टफोन खरीदने के लिए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चे मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं और अच्छी बात भी है, अगर उसे अच्छे से प्रयोग किया जाए तो मोबाइल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे आप, हम वीडियो क्लास करा रहे हैं तो ये हमारा ऑक्यूपेशन हो गया, आप पढ़ रहे हैं तो वो आपका फ़ायदा हो गया, बेनिफिट हो गया, ओके। तो मोबाइल से आप बहुत अच्छा अच्छा सीख सकते हैं, ओके। तो आप अगर अच्छे से उसको प्रयोग करेंगे तो आपको मोबाइल से बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी, इसलिए मोबाइल को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लीजिएगा, नोट कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, उसमें से आपको कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो हमने नहीं बताए होंगे, आपके माइंड में ब्लिंक किए हुए हैं, उन पर सर्च कीजिएगा, तो आपको बहुत कुछ आपके मोबाइल से बेनिफिट हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए त्रिपुरा राज्य सरकार ने क्या किया है, मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत जो स्नातक स्तर के ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 14,608 छात्र चुने जिन्हें 5,000 रुपये प्रदान किए कि वो स्मार्टफोन को खरीद लें, ओके। त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला, तो आपको याद रखना है, अगर वहाँ के राज्यपाल पूछ ले जाएँ तो रमेश वैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराज्यपाल GC मुर्मू ने किस शहर में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ किया है? तो ये जम्मू में किया है, जम्मू और कश्मीर में। अब GC मुर्मू वहाँ के उपराज्यपाल हैं और जम्मू कश्मीर से ये क्वेश्चन बन ही जाता है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना, उपराज्यपाल हैं GC मुर्मू। इसी प्रकार लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं RK माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की 590 किलोमीटर की तटीय रेखा को जल्दी पारंपरिक ग्रेनाइट दीवार की बजाय जियो ट्यूबों की सुरक्षा मिलेगी? तो वो है केरल। केरल की कैपिटल आप सभी को पता ही है, तिरुवनंतपुरम होती है, जिसे पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 के दौरान महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि जो रही है वो कितनी रही है? तो वो रही है 5.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 से 20 के दौरान अखिल भारतीय GDP ने
सभी राज्यों के बीच महाराष्ट्र के योगदान का औसत परसेंट कितना रहा है? तो 14.3% औसत जो योगदान है वो रहा है महाराष्ट्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्थान कौन सी है जहां आपदा प्रबंधन के लिए पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल विकसित किया गया है? तो वो है पाउडर धातुकर्म एवं नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है उनसे संबंधित सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। इफ़ो की बात हुई थी तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना कब हुई थी, याद रख लीजिएगा, आज से 4 मार्च 1952 में इफ़ो की स्थापना हुई। मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो नई दिल्ली में हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर मतलब कि WWF की स्थापना कब हुई, तो 29 अप्रैल 1961 को ही, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई, तो 14 जुलाई 1967 को ही, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है और बाकी जो मुद्रा है वो है रिविनिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यूक्रेन की राजधानी भी याद रखिएगा कीव है और मुद्रा रिवेनिया है। ठीक है, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट और डेली मोशन वेबसाइट और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम हटिंग रिक्वेस्टेड यू कि आपको खबरी ऐप पर हमें फॉलो भी करना है और वहाँ से ऑडियो रिवीजन करना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या आप वीडियो यहाँ पर देखिए और वहाँ से आप ऑडियो रिवीजन कीजिए, तो आपको क्या होगा कि 10 टाइम बेटर आपको लर्न हो जाएगा और आपका रिवीजन भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिससे जो भी क्लासेस की PDF होती हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अब न्यूज़ को देख लेते हैं। सुखना झील एक जीवित इकाई रूप में घोषित कर दी गई है। अब देख लेते हैं सुखना झील है कहाँ पर। 2 मार्च 2020 को हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने सुखना झील को एक जीवित व्यक्ति के कर्तव्यों अधिकारों और देयताओं के साथ एक जीवित इकाई घोषित कर दिया है। चंडीगढ़ के सभी नागरिकों को झील को विलुप्त होने के बचाव के लिए लोको पेरेंट माता पिता की जगह घोषित किया गया है। ठीक है, सुखना झील को एक जीवित इकाई के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आप पूछ लिया जाए सुखना झील है कहां पर, ये हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARCI आपदा प्रबंधन के लिए ईंधन सेल प्रौद्योगिकी विकसित करता है। तो हैदराबाद के इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ने पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स नामक एक ईंधन सेल तकनीक की खोज कर दी है। अब ये क्या वर्क करेगा, ARCI द्वारा पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन कोशिकाओं को 1 से 20 किलोवाट की विद्युत रेंज में विकसित करा गया है। इस PEMFC प्रणाली में विकसित विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन प्रणालियों के अनुप्रयोगों के साथ कम तापमान पर प्रचालन की क्षमता है। अब हैदराबाद के जो एक संस्थान है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल ने क्या किया है कि पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स नामक ईंधन है उसकी खोज कर दी है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ है, अब ये क्या करेगा, ये विकेंद्रीकृत बिजली का उत्पादन प्रणालियों में अनुप्रयोग के साथ कम तापमान पर परिचालन की ये क्षमता रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के ई विपणन के लिए अमेजन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के साथ गठजोड़ किया है ताकि छोटे व्यवसायों की खोज में मदद करने के उद्देश्य से कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण मंच के माध्यम से व्यापक बाजार पर पहुंच समर्थन और सहायता प्रदान की जा सके। पहले चरण में 2500 उत्पाद और 28 मार्च 2020 में बिक्री पर होंगे। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजोन ने क्या किया है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आवास और शहरी मामलों के तहत उन्होंने गठजोड़ कर लिया, मतलब कि वहाँ पे समझौता किया है कि ताकि छोटे व्यवसायों की खोज में मदद करने से उद्देश्य से क्या होगा कि कारीगर और स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण मंच के माध्यम से व्यापार बाजार तक पहुंच समर्थन और सहायता प्रदान की जा सकेगी, जिससे क्या होगा, पहले चरण में 2500 उत्पाद 28 मार्च 2020 से बिक्री पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020। विषयवार QS वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई और IIT दिल्ली दुनिया भर
के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल है। आईआईटी बॉम्बे को 44वें स्थान पर रखा गया है और आईआईटी दिल्ली ने 47वें स्थान पर हासिल कर लिया है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में आईआईटी बॉम्बे का कौन सा स्थान है, तो 44th और आईआईटी दिल्ली 47 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकवाइंडिंग, अब क्या है मैकवाइंडिंग ये देख लेते हैं। 3 मार्च 2020 को जम्मू और कश्मीर में सोशल मीडिया के उपयोग की अनुमति दी गई। इंटरनेट कनेक्टिविटी को केंद्र शासित प्रदेश मैकवाइंडिंग के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। हर डिवाइस में एक अद्वितीय मीडिया एक्सप्रेस कंट्रोल मतलब कि मैक का पता चलेगा, एक हार्डवेयर पहचान होती है। इसी तरह इंटरनेट तक पहुंचने के लिए प्रत्येक डिवाइस को एक आईपी पता सौंपा जाता है। जब आईपी पते और मैक के साथ बंधे होते हैं तो उस आईपी पते से सभी अनुरोधों को कंप्यूटर द्वारा केवल उस मैक पते वाले सेवा द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे मैक वाइंडिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर अभी तक इंटरनेट की सेवा नहीं थी, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी दे दी गई है पर मैक वाइंडिंग के तहत दी गई है। इससे क्या होगा, एक आईपी एड्रेस दिया जाएगा और उन्हीं उन्हीं को मिल जाएगा इंटरनेट जिनके पास ये एड्रेस होगा। ओके, नेक्स्ट है नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 5 मार्च 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले विज्ञान विभाग ने कोलकाता में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन 5 मार्च 2020 को हुआ और इसका समापन 7 मार्च 2020 को हुआ था। ओके, अब प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले विज्ञान विभाग ने कोलकाता में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया है। तो क्वेश्चन बनेगा, नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो कोलकाता में हुआ है। कोलकाता की कैपिटल हो जाती है पश्चिम बंगाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अब भारत सरकार ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, तो क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में आईआईएससी बेंगलोर समेत 20 से अधिक प्रमुख संस्थान होंगे। इस परियोजना के पहले चरण में एक रेफरेंस जीनोम विकसित करने के लिए 10,000 व्यक्तियों के नमूने लिए जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य मानव जीनोम को मैपिंग करना और उन्हें गुणसूत्रों का एक पूरा अनुक्रम प्राप्त करने के लिए एकत्रित करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत स्थानीय ऊर्जा प्रणालियों पर एक साथ काम करने के लिए भारत यूरोपीय संघ, भारत ने स्मार्ट उपयोगिता सप्ताह के दौरान भारत और यूरोपीय संघ ने एकीकृत स्थानीय ऊर्जा प्रणाली का आह्वान किया। दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा जलवायु पर काम करने की योजना बना रहे हैं। यह साझेदारी एक स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति को सुधारने में मदद करेगी। शुरू किया गया सहयोग और कदम पूरी तरह से मिशन इनोवेशन पर आधारित हैं, जो 24 देशों की वैश्विक पहल है। मुंबई के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुंबई के बाद दिल्ली अगला डूडल क्लाउड क्षेत्र है। 5 मार्च 2020 को गूगल ने घोषणा की कि 2021 तक वे दिल्ली में भारत का अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलेगा। भारत में गूगल का पहला क्लाउड सेंटर मुंबई में है, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। गूगल क्लाउड सेवा कंपनियों को स्थानीय स्तर पर डेटा स्टोर करने में मदद करती है। अब मुंबई में डूडल क्लाउड क्षेत्र है, अब उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मुंबई के बाद अगला डूडल क्लाउड क्षेत्र कौन सा है, तो वो दिल्ली है। दिल्ली में क्या है कि गूगल ने घोषणा कर दी कि अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोल देगा, तो क्वेश्चन यही बन जाएगा। नेक्स्ट जो है स्टेट को डिस्कस करेंगे, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम था यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत। स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को, पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है वो है लखनऊ। सीमाएँ हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मतलब कि उत्तराखंड की जो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से मिलती हैं। कुल 9 राज्यों से मिलती हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी है सारस क्रौंच और राजकीय पुष्प है पलाश। प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। ओके, 13 फरवरी को इनकी जयंती मनाई गई थी, उसके लिए आपको याद रखना है। जिले हैं उत्तर प्रदेश के 75, मंडल हैं 18, विधानमंडल यहाँ की 2 सदनात्मक है, 404 यहाँ पर विधानसभा के सदस्य हैं, 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन, तो 404 हो जाते हैं। विधान परिषद में जो 100 सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। राज्यसभा की सीटें जो हैं 31 हैं, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये सही कर लीजिएगा।
और लोकसभा की सीट जो 80 है जो सबसे ज्यादा है। राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं, योगी आदित्यनाथ अभी सीएम हैं, सभी लोग जानते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी हैं। मुख्य सचिव अगर पूछ ले जाएं तो राजेंद्र कुमार तिवारी हैं। पुलिस महानिदेशक कल तक तो थे ओम प्रकाश सिंह और कल बन गए हैं हितेश चंद्र अवस्थी आए में। हितेश चंद्र बन गए, अवस्थी हैं या कोई हैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। आधिकारिक भाषा यहाँ की हिंदी है और अतिरिक्त आधिकारिक भाषा जो है उर्दू है, जिसे 1989 में संज्ञान में लाया गया था। साक्षरता उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार 67.68 है और लिंगानुपात 1055 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व तो अगर उत्तर प्रदेश का पूछ ले जाए तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद में, अगर उसकी ब्रांच पूछ ली जाए, खंडपीठ पूछ लिया जाए, तो वो है लखनऊ में। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जी हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। प्रमुख खनिज अगर पूछ लिया जाए, चूना पत्थर, डोलामाइट, तांबा और जिप्सम प्रमुख खनिज हैं उत्तर प्रदेश के। प्रमुख जनजातियाँ थारू, भोटिया, जौनसारी, खरवार, शोका, बुक्सा, राजी और बनरौत और माहीगीर प्रमुख जनजातियाँ हैं उत्तर प्रदेश की। वन्यजीव विहार दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर में है, चंद्रप्रवा वन्यजीव विहार वाराणसी में है। प्रमुख झीलें गोखुर झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंदेला झील, पूनाताल झील, ये सभी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मिल जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे हमने सारे इसमें मर्ज कर दिए हैं। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है स्पेशल नॉलेज में ओई सी डी को डिस्कस करेंगे। स्थापना 1948 में ओई ई सी के रूप में हुई थी, 1961 में ओई सी डी के रूप में पुनर्गठन कर दिया गया था। आधिकारिक भाषा अगर ओई सी डी की पूछ ली जाए तो वो थी फ्रांसीसी और अंग्रेजी। महासचिव हैं जोस एंजल गुरियर और उप सचिव हैं प्रमुख रिंटारो तमाकी। उप सचिव प्रमुख है मेरी केवी नियमी। ओके, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओईसीडी। तो इसमें क्या है कि 35 सदस्यों की एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए हुई थी। अधिकांश ओईसीडी सदस्य जो हैं उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएँ हैं जिनकी मानव विकास सूचकांक बहुत उच्च है। विकसित देशों के रूप में ये माना जाता है। ओईसीडी का आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक है और ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस में है, तो ये आपको याद रखना। स्टैटिक के क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1909 में 15 जून को हुई थी, मुख्यालय दुबई यूएई में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जो स्थापना हुई 1909 में 15 जून को हुई, मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। विश्व डोपिंग रोधी संस्थान मतलब कि बाडा की स्थापना कब हुई, 1999 में हुई 10 नवंबर को। अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना 1913 में हुई, मुख्यालय लंदन में मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना 1946 में 4 नवंबर को हुई थी, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ की स्थापना 1988 में हुई, 1 मार्च को, मुख्यालय ग्रेटर नोएडा और नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नोएडा की फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए, न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 2008 में हुई थी, मुख्यालय या स्थान इसका नोएडा उत्तर प्रदेश है। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1997 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके, अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या था, तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी, तो थी समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक किसे माना जाता है, तो वो हैं धन्वंतरी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, तो श्री गुप्त जी थे जो ज्ञात थे। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किस के आक्रमण के द्वारा समाप्त हो गया था, तो हूणों ने जब आक्रमण किया था तो रोमन जो साम्राज्य था उसके साथ भारत का व्यापार खत्म हो गया था। नेक्स्ट है आर्यभट्ट और बारह मेयर के सुविख्यात विनाम किसके युग से संबंधित हैं, तो गुप्त वंश से संबंधित हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं, तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो हैं उत्कीर्ण हैं। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के लोगों पर शासन किया, राजपद वंशागत था तथा सिंहासन सदा बड़े पुत्र को मिलता था, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा में बहुत अधिक विकसित थी,
भूमि करों को में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य करों में कमी हुई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो जाता है सेकेंड वाला। मुख्यतः उत्तर मध्य भारत के भागों वो राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा बड़े पुत्र को मिलता था। ठीक है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास जी जो थे वे समुद्र जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनके कवि थे। अभिज्ञानम शाकुंतलम जो है कालिदास की रचना है और कई बार पूछी गई तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके एंड जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपनी क्वेरीज जो हों क्वेश्चंस हों उन्हें मेंशन कर सकते हैं। एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे ट्विटर और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक यूज करते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर चैट डेली मोशन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आपको खबरी ऐप पर फॉलो भी करना है, वहाँ से ऑडियो रिविज़न भी करना है, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ से वीडियो देखेंगे वहाँ से ऑडियो सुनेंगे तो आपको 10 टाइम बेटर लर्न हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पर आपको ज़रूर ज़रूर फॉलो भी करना है और याद भी करना है, वहाँ से रिवीजन भी करना है। ओके, 4 से 5 मिनट का ऑडियो होता है, कोई बहुत बड़ा टाइम आपका नहीं खर्च हो रहा उसमें, आपको सुनिए वहाँ से आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ओके, एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको PDF प्राप्त हो जाए। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए और अपने मुकाम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना तभी चैन से बैठेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।